ओ शिप्रा राजेश के कोनो दोस्त के बेटी नहीं, बाकी ओकरे हाथ के कठपुतली भी आ कठपुतली। आज आज उस शिप्रा के हम प्रेम के संग एक रेस्टोरेंट में देख क्या बता रही खूब बुलछर रहा हूं रावत। वो तुहार राजेश ये बात की अच्छी तरह से जाने, अच्छी तरह से जाने ला कि मधु लौटले के बाद प्रेम के साथ अपन जिंदगी बितावी वाली बिया, फिर भी वो जानबूझ के शिप्रा के प्रेम के संगे मेल जोल बढ़ावे के मौका दिलस जान के। लेकिन ऐसा भी तो हो सकेला कि राजेश के ये सब कुछ मालूम ही ना हो के, और शिप्रा के भी मालूम ना हो कि वो जो लेका से मेल जोल बढ़ावत बिया ओकर बिया हो चुकल बा। हम जानत रहे तू ऐसे ही कुछ बोलबो। देखा हम तारा के कुछो समझावन के चाहत, लेकिन हाँ अगर वो लड़की के वजह से आपन मधु के जिंदगी में थोड़ भी आँच आए तो ये बात जान लिया हम चुपचाप नहीं बैठे वाला बने, बिल्कुल ना। कहीं शिप्रा के कोई आपन जाल तो नहीं, हमरा के राजेश से सब बात बता देवे के चाहिए। कोई हमार मधु की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे ये हम बर्दाश्त ना कर सके। शिप्रा आगे नहीं जीजा जी, ओकर फोन आयल रहल, थोड़ा देर से घर आई, दोस्त लोगन के साथ रेस्टोरेंट गल बिया। अच्छा तू खाना खा लेगा? नहीं राउर इंतजार ही करत रहनी, वो कहा है कि आज खाना होटल से मंगवा के परी, अंजू आज खाना नहीं बनवलस। कहे ओकर तबीयत तो ठीक बनू? तबीयत तो ठीक बा लेकिन थोड़ा दिमाग खराब हो गया बाकर, सांझी के ऑफिस से होते ही बातें शुरू कर दिलस, अब ऊपर कमरा में मुंह फुला के बैठल भी। भगवान करे कि जीजा जी उनका खूब डांटे तखन हमरा मनावा लेते थे, मुदा हमें तो ठार रहे तो हमरा मनी थी कोना। हाँ मुंह फुला का चुपचाप बैठ जाए छे। देखा बाबू तोहनी लोगन के झगड़ा से हम तंग आ गए बानी, और तुहू कुछ कम ना बाड़ा, तोहरा के बार बार ही कहे के का जरूरत रहे, दरभंगा छोड़ आए। कौनो भी लेके ब्याह के बाद मायका में जाए के नहीं के बैठल चाहत। छोड़े जीजा जी चली कौनो होटल में चल के खाना खा ली हल जाए। आंजू वो का खाए जा ओकरा के भी बुला लो, हमें सभी एक साथ ही चल के बाहर खाना खा ले आ जाए। चुपचाप ठाड़का है बारा, अपन मेहरारू के बुलावे से केहू छोट ना हो जाला। जा जाके बुला ला, जा उ नहीं आए जीजा जी, बेकार में समय बर्बाद करे से कौनो फायदा नहीं के, चली हमरा के बहुत भूख लागल बा। अरे बुला के देखा तो सही, अच्छा जाके कह दिया कि हम बुलाओ तेरे।
बस जीजा जी खाना खाए खातिर बाहर जाए चाहत बड़न जाइबू नखरा करिए कि मैं जाइए ना ही जाइबू तो बोल दा मुंह काहे बनोले पाड़ू चलू ने हमरो बड़ जोर भूख लागले मुदा फुचका तो बगल वाला शर्मा जी के होता छे हम ओकरा फोन कर के बजा ले छी ठीक छे एगो बात कहू तावे ना हाँ वो दरभंगा वाला कुर्ता पहन ले की भोली तो सचमुच भैया बस हमारा दिमाग खाए ली नाश्ता बना के धर देले बानी कर ले एक मिनट इतना जल्दीबाजी में कहाँ जाता हूँ इशिप्रा और प्रेम की कहानी जितना जल्दी खत्म हो जाए उतने अच्छा बा सीधे सीधे कहे न कहता रहो तू राजेश के हमारा जा रहा बाड़ू शिप्रा कहीं और रहत तो हम वहीं जाती वो जहाँ रही वहीं जाए नू कौन जरूरत नहीं की उन लोगों से हमने कोनो तरह का संबंध रखी तो अच्छा होगी कीचड़ में पत्थर फेंकला से खुद पे भी कीचड़ पड़ेला एकर मतलब ये तो नहीं कि हमार बेटी की जिंदगी से कोई खिलवाड़ करे और हम चुपचाप देखत रही तब तो तहरा के राजेश के संग झगड़ा करके पड़ी कहे कि शिप्रा के राजेश ही सह दे रहल बा एकरा में कोनो शक नहीं के तो झगड़बू अपन प्यारे भाई के साथ माई के ममता के आगे दूसर सब रिश्ता के कौनो मोल ना होखेला ये तो हम माने ही खातिर तैयार नहीं थी कि ये सब में राजेश के हाथ बा और अगर मान लिहल जाए कि गलती से ऐसन बा तो झगड़ब जरूर झगड़ब भाई बहन के रिश्ता माई बेटी के रिश्ता के आगे छोट भी पड़ जाए तो कौनो बात नहीं थी मधु के जिंदगी हमरा के हर हाल में बचावे के बा का बात है रुका रुका हमू चला था तारा के राजेश के हमारा छोड़ा होता नहीं कौनो जरूरत नहीं थी हम पहले से ही राजेश के ऊपर गुस्सा करके ना ही जाल चाहता हूँ और रुआ चलब तो यह होखी हाँ हम पहले वो शिप्रा से तो मिल ले अंकल हमका से बोल देले बानी कि वो बिल्कुल चिंता ना करे हमारा अंकल उस संपत्ति खरीद लिया हाँ सब कागजात के फोटो कॉपी करवा के लेते हैं ठीक बा पैसा के इंतजाम में थोड़ा समय लग जाए जी ठीक बा तो हम जाएं जा बेटा लेकिन जल्दी आ जाइए ठीक आई दीदी तोहरा से तो हम बाद में बात करें राजेश सच सच बतावा के भी आई
चुप का है बड़ा राजेश, हम ई जानल चाहते नहीं के बिया ई, कौन खानदान के बिया और एकरा के कैसन संस्कार मिलल बा। हमर दोस्त के बेटी बिया ई, अपन जैसन ही खानदान के बिया, अपन जैसन ही संस्कार पहले भी आई। झूठ बोला था तू। अगर एकरे अंदर आपन जैसन संस्कार होखत तो ये कब्बो प्रेम से मेलजोल नहीं बढ़ावत। तू प्रेम के कब से जाने लू, देखला कैसन चुप्पी लगा लेलस। ये तोरे घर में रहत बिया, केकरा से मिलत बिया, केकरा से ना, ये तो तू अच्छी तरह से जानत होगा। और फिर तू इतना आसानी से एकरा के कैसे प्रेम से मेलजोल बढ़ावे देला, हाँ? ये तोरे घर में रहत बिया, केकरा से मिलत बिया, केकरा से ना, ये तो तू अच्छी तरह से जानत होगा। और फिर तू इतना आसानी से एकरा के कैसे प्रेम से मेलजोल बढ़ावे देला, हाँ? आपन मधु चिट्ठी में का लिख ले रहल, हाँ? नारायण जी बतेले रहल ना तोरा के, अरे प्रेम के इतना सतावे के बावजूद भी वो बेचारी यही के संगे जियल चाहत बिया। और वो जब लौट के आई और प्रेम के ये लड़की के संगे देखी तो का जवाब दे बतू ओकरा के, हाँ? जोन प्रेम के संगे घूमत फिरत बाड़ू, रेस्टोरेंट में जाके गुलछर्रा उड़ात बाड़ू, जाने लू के बाहू वो ई आदमी के जोन तोहरा पर तरस खाके ई घर में पन्हा देले बा, ओकर दामाद बाहू, हमार बेटी मधु के पति बाहू। कौनो लेके हमार बेटी की जिंदगी के संगे खिलवाड़ करे और हम चुपचाप देखत रही, कब्बो ना हो सकेला ई। अगर तोहरा से ये सब अनजाने में भूल बस गया तो कौनो बात नहीं, हम तोहरा के माफ कर देंगे। लेकिन आगे से अगर तू ओकरा संगे दिखाई देबू या फिर केहू भी तू दोनों के संगे देखलस तो हमरा से बुरा केहू ना होखी, ये ध्यान रखिया। चुपचाप सुनत का बाड़ू, हाँ? हमरे सिर पर हाथ रख के कसम खा कि आगे से तू प्रेम से कोनो भी तरह के वास्ता नहीं रखू, कोनो भी तरह के मेल जोल नहीं रखू, कसम खा। अरे हद हो गई, आंटी इतना कुछ बोल दे ली और तब भी तो चुप पड़ू, ऐसन का बाऊ लेका में, हाँ? कसम खा ला। तू ऐसे ना मन बो, तू जो चुप खड़ा का है बड़ा, हमार इतना गिड़गिड़ावे के बावजूद भी ये लड़की पर कौनो असर ना भाई। बोला एक राके ये अभाई के अभाई अपन सामान बांधे और घर छोड़ के चल जाए, ये बज्जात लड़की अब ये घर में ना रह सकेली। रंजना प्लीज, अपन जुबान पर लगाम लगावा। दाल में जरूर किछ काला छे, हमर शक कहीं सही तो नहीं छे। जीजा जी शिप्रा के डांटे के बदले रंजना दीदी के चुप करावे छथिन। रंजना तू अभी बहुत गुस्सा में भरू, तो वापस घर जा, हम तोरा से बाद में बात करब। देखा तू जैसे हम सोचत बाड़ू
वैसा कोनो बात नहीं के। तो फिर जोन सच्चाई बा ऊ बोला चुप्पी काहे लगा ले तू लोग। अब ही कुछ बोले खातिर बटले ही नहीं के तक का बोली। तब समय आई तब बोला। कब आई समय? हाँ कब आई? जब हमार बेटी की जिंदगी उजड़ जाए तब। रंजना ऐसा कुछ ना होगी, तू हमरा के समझे के कोशिश करा। हम सब समझता नहीं राजेश, मधु के लौट आवे तक तो लड़की सब कुछ बर्बाद कर चुकल होगी। सच कहत रहल एकरा में तू दोनों के साजिश बा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इतना दिन तक सचमुच एगो गलत आदमी के अपन भाई बना के ओकर साथ देत रहनी। आसानी से आपन बेटी के भविष्य के साथ तू लोगन के खिलवाड़ नहीं करे दे। देख लिया तू दोनों।